नमस्कार, मैं हूं एम्पुरी गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूलें। भुजरिया पर्व पर बड़े हर्षोल्लास मंगल गीत के साथ भुजरिया का विसर्जन करने के लिए आरोन ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर ग्राम टंक परोरिया में पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हुए सारे गांव की भुजरिया राम जानकी मंदिर के यहां लाकर रखी जाती है। यहीं से गांव के जमींदार पटेल शादीलाल सक्सेना की भी भुजरियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद विसर्जन करने के लिए तालाब पर ले जाया जाती है। विसर्जन के पश्चात सभी देवी देवताओं को भुजरिया चढ़ाई जाती है। इस अवसर पर सभी ग्रामीण मिलजुल कर गीला सिकवा भूलकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। भुजरिया पर्व ये तो बहुत काल से मनाया जाता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये है कि पिछले साल भर के दौरान यदि हमसे कुछ गलतियां हो गई हों तो उसके लिए भूल जाएं और हम आज अन्य देवता को साक्षी करके कसम खाते हैं हम उसको भूल रहे हैं और आज नए संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। भुजरिया पर्व का कार्यक्रम प्राचीन काल से मनाते हैं, लेकिन ये कालखंड में सुना है, पढ़ने को मिलता है। अलाऊ दल की लड़ाई में बहुत सारी लड़ाई होती थी पहले, तो उसमें इस तरह से मतलब लड़ाई होकर भुजरिया लेते थे और सुगन के दोनों हुआ करते थे, उनको छीनते थे। बहुत सारी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन गांव में इस तरह की लड़ाई तो नहीं होती, फिर भी धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से सारे गाँव वासी इकट्ठे होकर और जहाँ भी पास में तालाब होता है वहाँ पे ये ले जाते हैं साथ मिलकर, और वहाँ पे ये तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर वापस देवताओं पे चढ़ाकर आपस में भुजरिया